जयंत चौधरी के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज से किया, लेकिन इसके बाद जयंत पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन चले गए। लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटेक्निक से MSc किया, जिसके बाद उनके पिता ने उन्हें वापस घर बुला लिया और अपने साथ राजनीति में जोड़ लिया। जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। चौधरी अजीत सिंह जाटों के बड़े नेता माने जाते थे। उनका प्रभाव कुछ ऐसा था कि केंद्र में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, मंत्रिमंडल में अजीत सिंह जरूर रहते थे। वो नरसिम्हा राव की सरकार में भी मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार में मंत्री रहे, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे। जयंत ने सियासी दांवपेच अपने पिता चौधरी अजीत सिंह से ही सीखे हैं। जयंत चौधरी के दादा यानी चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें किसानों के मसीहा के तौर पर भी जाना जाता है। बागपत जयंत के परिवार का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से यह वोट बैंक फिसल गया था। जयंत का जन्म 27 दिसंबर 1978 को USA के टेक्सास में हुआ था। तब पिता अजीत सिंह वहां IBM में बतौर कंप्यूटर इंजीनियर नौकरी करते थे, जिसके बाद वो भारत चले आए। जयंत के सियासी सफर पर अगर एक नजर डालें तो 2009 में मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें बहुत बड़ी जीत दर्ज की। 2012 के विधानसभा चुनाव में मांड से विधायक चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हेमा मालिनी से हार मिली। 2021 में अजीत सिंह के निधन के बाद RLD के अध्यक्ष चुने गए। चौधरी अजीत सिंह का मई 2021 में निधन हो गया था, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के कंधों पर आ गई। जयंत चौधरी को उनके पिता और दादा की तरह ही 20 सितंबर को एक पारंपरिक रस्म पगड़ी समारोह में चौधरी पद का सम्मान दिया गया। उन्हें समुदाय के प्रमुख के तौर पर मान्यता देने के लिए सभी प्रमुख खाप छपरौली कस्बे में जुटी थी। इसके बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। पिछले लोकसभा चुनाव में दिए गए ब्यौरे के अनुसार जयंत की कुल संपत्ति करीब 13.5 करोड़ रुपए की है, जबकि उन पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज है। वाहन के नाम पर उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, जबकि किसी हथियार का लाइसेंस भी उनके नाम पर नहीं है। जहां तक जयंत चौधरी की पत्नी और परिवार का सवाल है, तो जयंत चौधरी की शादी चारू सिंह से हुई है और उनकी 2 बेटियां हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उतरे जयंत चौधरी ने संपत्ति के ब्यौरे में पत्नी चारू की प्रॉपर्टी डिटेल्स भी शो की थी। जयंत के एफिडेविट के मुताबिक चारू अकेली 4 करोड़ रुपए की मालकिन है। शेयर मार्केट में चारू के कुल 85 लाख के इन्वेस्टमेंट्स हैं, जबकि 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। लैंड प्रॉपर्टी को छोड़ दें तो चारू कर्ज में डूबी हैं। यूनियन बैंक से 41 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा अन्य कंपनियों से उनके ऊपर 1.9 करोड़ रुपए का कर्ज है। अपने सियासी भविष्य को संवारने के लिए और पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए 2022 के चुनावों में जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया है। किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी में BJP से किसानों की नाराजगी जयंत चौधरी को पश्चिम के चौधरी के रूप में एक बार फिर से स्थापित कर सकती है, और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का साथ आना जयंत चौधरी के लिए बहुत जरूरी है। अगर जयंत चौधरी के पक्ष में और उनकी पार्टी के पक्ष में ठीक ठाक वोट पड़ गए, और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिमों ने साथ में वोट दे दिया, तो जयंत चौधरी अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे। जयंत दिमाग के बहुत तेज हैं, और इसी वजह से उन्होंने वैसी ही सोशल इंजीनियरिंग की है जैसी BJP भी करती आई है और समाजवादी पार्टी भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।